Hello students, in today's video I am going to start chapter number 8. Name of chapter is The Living Organisms and Their Surroundings. इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनकी सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है इसमें वो है हैबिटेट. व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट is the place where an organism find comfort, safety, food, water, air, shelter and suitable condition of breeding and survival. इस sentence में क्या कहा गया? Habitat वैसी place होती है जहाँ organism comfort feel करता है, easy feel करता है, उसे वहाँ safety भी होती है, food easily available होता है, वाटर, एयर, शेल्टर, ये सारी चीज़ें होती है एंड साथ ही साथ ब्रीडिंग करने के लिए सुटेबल कंडीशन भी होता है. यहाँ ब्रीडिंग से क्या मतलब है? ब्रीडिंग मीन्स रिप्रोडक्शन, मीन्स अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना ब्रीडिंग कहलाता है. तो अगर ये सारी कंडीशन अवेलेबल है, जिस प्लेस पे अवेलेबल है वही प्लेस उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कहलाता है. क्लियर? नाउ चूंकि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की नीड डिफरेंट होती है, आपको पता होना चाहिए कि इस यूनिवर्स में वैरायटी वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड इन ऑर्गेनिजम्स की नीड भी डिफरेंट होती है. अगर नीड इनके डिफर कर रही है एक दूसरे से, दैट मीन्स क्या होगा? उनका हैबिटेट भी एक दूसरे से डिफरेंट ही होगा, है ना? Habitat provides almost everything to an organism which is needed by it. Habitat organism को करीब करीब सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है जो उस ऑर्गेनिज्म को ज़रूरी है. The type of animals and plants living in a particular habitat are adapted to make the best of condition which characterize that habitat. इसका क्या मीनिंग हुआ? एनिमल्स एंड प्लांट जिस हैबिटेट में रहते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं और उस हैबिटेट को अपने लिए सुटेबल बनाते हैं, मीन्स बेस्ट बनाते हैं. ओके, जैसे कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? उनकी बॉडी उसी टाइप से एडेप्टेड होती है ताकि वो वाटर में रह सके. सिमिलरली टेरेस्ट्रियल एनिमल की बात करें, टेरेस्ट्रियल मीन्स जो लैंड पे रहते हैं, उनकी बॉडी इस तरीके से अडेप्ट होती है कि वो लैंड पे रह सके. ओके, नाउ काइंड्स ऑफ हैबिटेट के बारे में हम पढ़ेंगे. यूजुअली प्लांट्स और एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं दे कैन नॉट सर्वाइव ऑन लैंड. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज कीजिए मैं फिश की बात कर रही हूँ. फिश इज एक्वेटिक एनिमल, वो वाटर में रहता है. अगर वो वाटर में रह रहा है बट वो लैंड में नहीं सर्वाइव कर सकता है, है ना? सिमिलरली प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि लैंड पे रहते हैं दे कैन नॉट सर्वाइव इन वाटर. उनको अगर आप वाटर में डाल दोगे तो क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं. व्हाई? बिकॉज ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने आप को अपने सराउंडिंग, अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग एडेप्ट कर लेते हैं. क्लियर? अ फिश लीव्स हैप्पीली इन वाटर. फिश वाटर में रहता है. काउ, गोट एंड डॉग लिव्स ऑन लैंड. ये लैंड पे रहने वाले एनिमल्स हैं. कैमल फाइंड्स इट कन्वीनियंट टू लिव इन अ डेजर्ट. कैमल्स के लिए कौन सा प्लेस कन्वीनियंट है? डेजर्ट. बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज एंड पोलर बियर इन स्नोई रीजन्स. बर्ड्स ट्रीज पे रहते हैं एंड पोलर वेयर स्नोई रीजन्स में रहते हैं. ओके, तो ये क्या हुआ? इन लिविंग थिंग्स की एबिलिटी अपने सराउंडिंग के साथ जो एडजस्ट करने की होती है इसको ही हम एडेप्टेशन कहते हैं. आई रिपीट, द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग टू एडजस्ट देमसेल्फ टू देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड एडेप्टेशन. क्लियर? Now the two major habitats are aquatic habitat and terrestrial habitat.
ये जो हम टू मेजर हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे वो क्या होगा, एक्वेटिक हैबिटेट एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट का मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट के बारे में बात करेंगे जो वाटर में रहते हैं, एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स मीन्स हम वैसे ऑर्गेनिज्म की प्लेस के बारे में बात करेंगे, उनकी हैबिटेट के बारे में बात करेंगे जो कि लैंड पे रहते हैं। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू।